मैं आती हूँ। मिस्टर जॉन। हाँ सनम, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, एक्चुअली तुम्हारी मॉम ने मुझे बुलाया, कुछ अर्जेंट है, कहा है कुछ टेस्ट का, इसलिए मैं जितनी जल्दी आ सकता था मैं आ गया। इसे कहाँ रखो? इसे यहीं रखना सही है। हाँ, अच्छा मॉम घर पर? माँ, ये सब क्या हो रहा है? हाँ मेयूकी, जरा हमें बताओ तो सही, कौन आने वाला है, किसको इनवाइट किया? हेलो एवरीवन, सॉरी मैं स्लीपर्स में आ गया। वेलकम मिस्टर जॉन। थैंक यू, हेलो अगेन। आप यहाँ आए हो, hello, बहुत अच्छा लगा। व्हाट्स अप लैला? वेलकम मिस्टर जॉन। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा लगा आप आए। अरे इट्स माय प्लेजर, और ये तो सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके हाथों में जादू है। थैंक यू। आपको टेस्ट करके बताना है, मैंने यहाँ तरह तरह की डिशेज रखी हैं, अगर आपको अच्छी लगी तो हम आपके सेट पर भेज देंगे, आप टेस्ट कर लीजिए। हाँ, ये जो उस तरफ रखे हैं ये शायद किसी और प्रोडक्शन से हो सकता है, और ये वाले आपके, मैंने प्लेट से ही अंदाजा लगा लिया है। एक्चुअली मैं सही कर रहा हूँ, है ना? आपको तो बहुत पता है, हमने यहाँ खाने रखे हैं ताकि आप इनमें से चुन सके। मैं चाहता हूँ कि ये हम मिस्टर जॉन पर ही छोड़ दे ताकि वो सब कुछ आसानी से सेलेक्ट कर सके। नहीं सैनम, अपनी रिस्ते बैंडाना खोलकर मिस्टर जॉन की आंखों पर बांधो। माफ करना मिस्टर जॉन, हमारी मेयूकी बे जब भी एक्साइट होती है तो ऐसा करती है। सैनम मिस्टर जॉन की आंखों पर पट्टी बांधो। मिस्टर जॉन मैं अपनी परमिशन चाहता हूँ कल के लिए, क्योंकि कल मुझे ही सारी बातों का ध्यान रखना होगा। श्योर श्योर, लेकिन आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सिर्फ जॉन ही पुकारें। जॉन? यस। ठीक है, तो आपकी परमिशन चाहता हूँ मैं अब यहाँ से जाने के लिए मिस्टर जॉन। हाँ। ओके श्योर, शुक्रिया। आप यहाँ पर बैठिए, मैं चलता हूँ बेटा। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। बाय। बांधो भी, जल्दी करो, फाइनल टच लैला के हाथ से करेंगे, ठीक है? बांधो बेटा, आओ जल्दी करो। बांधो भी, जल्दी करो। मैं ये सीन हमेशा याद रखूंगा। माँ जल्दी यहाँ आओ, वो मिस्टर जॉन जाना चाहते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये रही आपकी प्लेट और ये रहा आपका नैपकिन, मुझे कलर नैपकिन पसंद है। चलो बेटा जल्दी करो। ये करो, मैं करूं? मदद करो ना इनकी। तुम करो, चलो जल्दी करो। मैं कह रही हूँ मदद करो। चलो शुरू करते हैं सनम। चलो बेटा, थोड़ा सा यहाँ से खाइए और थोड़ा सा वहाँ से खाइए, लीजिए ना टेस्ट करके बताइए कैसा लगा, बताइए। ओह वाओ, दिस इज सो एक्साइटिंग। खिलाओ खिलाओ। मुझे ये बहुत पसंद है। फ्राइड एग प्लांट्स, नॉट बैड, टेस्ट वेरी नाइस। वाओ, ठीक है अब दूसरा पार्ट। सैनम थोड़ा सा पानी सर्व करो, इसका टेस्ट जो है वो मिक्स नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, मिक्स नहीं होना चाहिए। हाँ, मिक्स नहीं होना यही चाहिए। करते हैं। हाँ। पानी दो। खिलाओ, क्या कर रही हो? मैं कह रही हूँ खिलाओ, जल्दी करो। मिस्टर जॉन पानी आ रहा है। पानी आ रहा है, जैसा सोचा था वैसा ही होता है। आप ये टेस्ट कीजिए मिस्टर जॉन। जैसे कि हमें कुछ करने के लिए है ही नहीं। ओके खिलाओ। खिलाओ बेटा खिलाओ। या जल्दी कीजिए मिस्टर जॉन। ओह वाओ, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। वाओ मजा आ गया, ऑसम डिलीशियस। इसका मतलब आपको पसंद आया, पानी पिलाओ। कैसा लगा? कमाल है, जवाब नहीं इसका। बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। तो अब है रिजल्ट्स की बारी मॉम, आप तो जीत गई मॉम, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। well, सच कहूँ तो ये कॉम्पिटिशन सिर्फ नाम के लिए ही था। वाकई आपके हाथों में जादू है, आपकी वजह से हम अच्छा खाना खा पाएंगे। शुक्रिया मिस्टर जान, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे मिस्टर जान नहीं जान कहिए। शुक्रिया जान। हाँ ये सही था, एकदम ऐसे परफेक्ट। वाह, आपसे एक चीज मांगना चाहता हूँ। मैं यहाँ से कुछ ले जाना चाहता हूँ आज की याद में, तो क्या मैं ये बैंडाना ले जा सकता हूँ? अरे नहीं, ये तो मेरा है। ये मुझे मिला? बिल्कुल ले जा सकते हैं। जान नहीं, ये मुझे मिला। तुमने सुना नहीं, जान को कंपनी दो, जाओ जाओ और ये सब साफ करके रखो। चलो जल्दी करो, टेबल साफ। हाँ, चलो। मैं मिस्टर जान के साथ बाहर जा रही हूँ। बाप रे, ये लड़की इतने टेंशन में क्यों है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। चलो चलो टेबल साफ। हाँ। अच्छा तुम अभी भी सी साइड जाती हो? हाँ क्यों। ओके तो मैं भी चलता हूँ, मैं कार यहीं पे छोड़ देता हूँ और हम पैदल चलते हैं सी साइड। ठीक है। तो सनम, हम वापस उसी जगह पर आ गए। हाँ आए तो है। हाँ तुमने बात की और फिर रिलैक्स हो गई। हाँ तुमने मुझसे कहा तुम मुझे नहीं चाहिए, और ये कहने के बाद तुम रिलैक्स हो गई, हैप्पी हो गई। हाँ मैंने कहा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हर कोई बस आपके पीछे भागता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हर कोई आपको पसंद करता है? मैं नहीं करती, तो आप इस बात से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं? तुम्हें लगता है कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई मुझे पसंद करे? सच में मैं ये चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि हर कोई आपको पसंद करे? अच्छा हर कोई, मैं चाहता हूँ हर कोई मुझे पसंद करे। हाँ, तो फिर कहाँ है वो हर कोई? मुझे तो कोई नहीं दिखता। मुझे दिखाओ, कोई एक इंसान दिखाओ जो मुझे प्यार करता हो या मुझे पसंद करता हो, दिखाओ ना, कहाँ है वो? ठीक है ठीक है, अब इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मैं आपको लाइक नहीं करती। नहीं मैं तो ये समझ गया था, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया था सच में, लेकिन फिर तुम्हें आखिर पोलन से इतनी जेलसी क्यों होती है? पोलन मैं? हाँ बिल्कुल, मैं पोलन से जलती हूँ। हाँ जलती हो तुम। मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं उससे नहीं तुम जलती नहीं? हाँ, नहीं जलती मैं उससे। तुम पोलन से जलती नहीं? उल्टा मैं तो चाहती हूँ कि आप दोनों फिर से एक साथ आ जाए, जो कि आप हो गए हो। अरे हम साथ में नहीं है सनम, कितनी बार बताऊँ तुम्हें कि हम साथ में नहीं है और एक साथ नहीं हो सकते। पोलन बहुत ही खूबसूरत है और परफेक्ट भी है, अगर आप दोनों एक साथ आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम सच में ना एक अजीबो गरीब लड़की हो, अपनी जिंदगी में मैंने तुम्हारे जैसी लड़की नहीं देखी। तुम स्ट्रेंज हो, कितना कंफ्यूज करती हो यार। हाँ बिल्कुल तुम ऐसे ही हो, और क्या तुम लेवेंट के साथ भी ऐसे ही ट्रीट करती हो जैसा अभी कर रही हो? बताओ मुझे, उसे भी ऐसे ही कंफ्यूज करती हो? हाँ कभी ये करना है कभी वो करना है, तुम ये भी करती हो तुम वो भी करती हो, बहुत कंफ्यूजिंग हो तुम मेरे लिए, मेरे समझ से परे हो। आप लेवेंट को लेके इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? हाँ मैं बिल्कुल ऑब्सेस्ड हूँ, और ये मेरी हॉबी ऑब्सेशन। क्या हुआ था उस रात को, मैं ऑब्सेस्ड हूँ ये जानने के लिए। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, वो लेवेंट एल्बेट्रॉस नहीं है, मेरी बात अच्छी तरह समझ लो। हाँ बिल्कुल है, इस बात से मैं श्योर हूँ, और अब मैं उसके पास जा रही हूँ। हाँ तो तुम जाओ, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ, बल्कि अभी चली जाओ, बल्कि यहाँ से उड़ के चली जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा, जहाँ मन करे तुम वहाँ चली जाओ। ठीक है तो मैं इंटरप्ट नहीं करूंगी, पोलन को इंतजार मत करवाना, मैं बोर हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ। नहीं रुको, अब तो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, यहीं रुको, आप यहीं रुकिए। तुम मेरी कभी भी कोई बात मानती क्यों नहीं हो? किसी एक दिन तो थोड़ा सेंसिबल बिहेव करो। होप करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें नॉर्मल देख पाऊँ, लेकिन पता नहीं कब देख पाऊंगा। मैं नहीं चाहता यार कि तुम बार बार अपना दिमाग खराब करो। खैर मुझे नहीं लगता तुम नॉर्मल बिहेव भी करने वाली हो, मैं जा रहा हूँ यार। ठीक है तुम बस बोलते ही रहो, तुम्हारे बोलने का कोई अंत नहीं है, मैं इस रास्ते जा रही हूँ। गॉड ब्लेस यू। हाँ हाँ थैंक यू। मुझे शूटिंग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, शुरुआत से मुझे कभी इसमें मजा ही नहीं आया। हाँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। देखो जरा कितनी गर्मी है ना मिस जैरन, इतनी गर्मी में ये ऑर्गेनिक चीजें कैसे दिख पाएंगी? बस बहुत हुआ, अगर तुमने एक भी शब्द और बोला तो मैं तुम्हें यहाँ से सच में निकाल दूंगी। आज सिर्फ मैं बोलूंगी, सिर्फ मैं, समझे? अब जाओ यहाँ से और अपना काम करो, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं चाहिए, ठीक है? ये औरत यहाँ कैसे आ सकती है? ये कभी सोती नहीं होगी है ना? मुझे तो लगता है ये इंसान ही नहीं। हाँ, है जेजे, तुम चलो मेरे साथ। फिक्र मत करो जेजे, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है ना हमने पहले भी किया है। हाँ हमने पहले भी किया, क्या है? किया है हमने पहले? हाँ हमने क्या किया है? ओ हाँ आयान, आयान, आयान कहाँ है? आयान कहाँ है वो? क्या आयान, क्या वो यहाँ नहीं आई है? मैं उसको देखकर अभी आता हूँ। सनम, सनम, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। सब कुछ तैयार है ना? गुड मॉर्निंग उस्मान।
गुड मॉर्निंग सरेन, फिक्र मत करो, सब कुछ हो गया है। मुझे यकीन है कि तुमने सब परफेक्ट किया होगा। हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है, अब हम बिजनेस पार्टनर्स भी हैं और दोस्त भी हैं। सब कुछ साथ साथ करते हैं हम लोग, भाइयों के। हाँ, मैं जाकर जरा गुलीज को देखती हूँ। जैसे ही जगह सिलेक्ट होती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगी। प्लीज हमारे साथ। गुलीज, जरा मुड़ना तो, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, क्या बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, कांप रही हूँ, पता नहीं क्या कर पाऊंगी या नहीं। अरे बिल्कुल कर सकती हो, बस थोड़ी देर शांत रहो, जूस पियो और देखना तुम ये कर लोगी। नहीं नहीं सनी, ये इतना सिंपल नहीं है। सनी, मैंने कैरेक्टर क्रिएट किया है, ये जो लड़की है जिसको बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया है, फिर वो हवाई जाती है, वहाँ बहुत सारी जगहों पर काम करती है, लेकिन उसकी जिंदगी का मकसद है पायलट बनना और फिर हवा में उड़ना। हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुमने अपने कैरेक्टर पे बहुत काम किया है, मुबारक हो, ये मुश्किल काम है। हाँ बिल्कुल। हाँ पर तुम शांत रहो वरना तुम ये नहीं कर पाओगी। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी सच में, तुम्हारी बात। अब मुझे ट्रे के साथ कुछ करना है, अब मुझे उस पर फोकस करना है कि अच्छा ये बताओ उस्मान, उसकी ही केटरिंग लगने वाली है ना आज, तो क्या बात है। हा? अरे क्या बात है, तुमको स्ट्रेस है फिर भी तुम गॉसिप कर रही हो, मुबारक हो। तो कह रही थी मिस्टर जॉन मॉडर्न है, लेकिन खुद के बारे में क्या सोचती हो तुम, तुम्हें सोचना चाहिए। हाँ मैं बहुत मॉडर्न हूँ, बिल्कुल हूँ। तो ठीक हो तुम? हाँ मैं तो हमेशा ठीक ही होती हूँ। अच्छे मूड में हो, शांत लग रही हो। इसमें कौन सी नई बात है, मैं तो हमेशा शांत ही रहती हूँ। आज तो शांत भी लग रही हो। For a change. Mr. John, एक मिनट इधर आइए। आता हूँ। ठीक है। Hello, hi, welcome. जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनम आयान कहाँ है, वो मुझे मिल नहीं रही, तुम्हें पता है क्या वो कहाँ गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। जे, थोड़ा शांत हो जाओ। हाँ। देखो मैं भी किसी सेट में पहली बार ही आई हूँ। हाँ, तो ठीक है। और कितना बड़ा है ना ये। मुझे बताओ ना यहाँ कौन कैसे क्या क्या करता है। मैं तुमको बताऊंगा और तुम सीख लोगी, तुम यही चाहती हो ना। देखो ये हमारे कस्टमर है, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें उनकी देखभाल करनी है पूरा दिन, उनको क्या चाहिए क्या नहीं, फूड बेवरेज सर्विस देनी है, हम वो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे कस्टमर है। जरा देखो मिस आयलिन और टैरन उनकी कितनी केयर कर रही है। हमने एक ओपन बुफे अरेंज किया है, सारे ऑर्गेनिक फूड है, जो भी आप चाहिए। एलिन मैं बात कर रही हूँ ना। मैं भी बात ही कर रही हूँ। और ये कुछ ज्यादा हो रहा है, इतना क्लोज नहीं होना चाहिए, इतना अटेंशन भी जरूरी नहीं है। हाँ ये उनका टेंट है, वो लोग पूरे शूटिंग के दौरान वहाँ होंगे, और ये हमारा टेंट है, मिस्टर जान उस मॉनिटर पर सब ये देखेंगे, हम भी जा सकते हैं अगर हमारे पास फ्री टाइम हुआ तो, वरना कोई जरूरत नहीं है। चलो हम काम करते हैं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इस तरह से तुम बात मत करो। अच्छा ये डायरेक्टर का टेंट है, इसमें उनकी टीम और वो खुद भी होंगे, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी होंगी, तुमको उनका ध्यान रखना है, उनका है मेकअप कॉस्ट्यूम सब तुमको देखना है। मैं यहाँ कैटरिंग टेंट में रहूंगा, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुमको आवाज दूंगा, तुम मुझे कहोगी मिस्टर जे जे, मिस्टर पर जरा जोर देना, ऐसी फॉर्मल तरीके से बुलाना पड़ता है सेट पर, समझ गई ना, और मिस्टर पर तुम थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। ठीक है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे पूरा दिन काम करना है, मुझे तो बस यहाँ बिजी रहना है पूरा। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आयान 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 तुम्हारी दोस्त आ गई, उसको हाई करता हूँ, तुम भी उसे हाई करो ना, मैं तुम्हारे साथ ही तो खड़ा हूँ। मिस्टर जे जे मैं ज्यादा रूड तो नहीं बनना चाहती, पर अच्छा होगा कि तुम अपनी लव स्टोरी को ऐसे जग जाहिर ना करो। क्या मैं ऐसा करता हूँ सनम? हाँ मैंने, देखो सनम मैंने तुम्हारा सीक्रेट संभाल के रखा है, अब तुम्हारी बारी किसी से मत कहना। हाँ ठीक है, आयहान तो वैसे भी कुछ समझ नहीं रही है, अगर तुम उसे जाकर कुछ कहोगे तब भी वो नहीं समझेगी। डोंट वरी मैं इसे सीक्रेट ही रखूंगी। ठीक है अब मैं जाता हूँ, अब मैं उसको हाय कह सकता हूँ। आयान ये लो ये हेलो कहो व्हाट्सएप, फिर वो देखो क्या कहती है। ठीक है आयान। व्हाट्सएप कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। अच्छा इतनी देर क्यों कर दी? क्या मैं लेट हो गई हूँ? मुझे लगा मैं टाइम पर आई। तुम सिर्फ 6 मिनट लेट हुई हो। अच्छा आयान मैं आज थोड़ा बिजी रहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी है मुझ पर, तो हो सकता है कि मेरा तुम्हारी तरफ ध्यान ना हो, तो प्लीज तुम बुरा मत मानना, अगर कोई जरूरत पड़े तो मेरे पास आना प्लीज, लेकिन तुम बुरा नहीं मानना, क्योंकि कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे कह सकती हो। ओके तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो तो मैं आ जाऊंगी, मेरा भाई कहाँ है? हाँ वो लोग वहाँ है, चलो मैं लेकर चलता हूँ तुम्हें। ओके चलो। हाँ तुम्हें तुम्हारी भाई की याद आ रही है? हाँ तो चलो मैं ले चलता हूँ। प्लीज इस तरफ आइए,
आपके स्टूल्स। गुड गुड, वी आर रेडी। अगर हमें कुछ करेक्ट करना है तो अभी करना होगा क्योंकि शूटिंग स्टार्ट हो रही है। तो हम ये टेक यहाँ से लेंगे और इसे तैयार रखें। ओके, तुम टेक्नीशियन को बुलाओ। हाँ, बुलाती हूँ। मैं वो करता हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं अरेंज करता हूँ अभी। ओके सनम, यहाँ डायरेक्टर के टेबल पे आ जाओ, यहाँ मॉनिटर के पास कुछ देखना है, प्लीज कम। थैंक यू। मैं अभी आती हूँ। हाँ मैं आ रही हूँ। यस मिस्टर जॉन। सनम, वो येलो आर्म चेयर देख रही हो वहाँ पर? प्लीज वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। शायद मुझे वहाँ नहीं बैठना चाहिए मिस्टर जॉन। क्यों, सब कुछ ठीक है? तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल डिम कंट्रोल करना है मुझे, तो प्लीज वहाँ पर जाओ और बैठ जाओ। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, प्लीज गो गो। मैं बैठूंगी क्योंकि मैं बैठना चाहती हूँ। हाँ थोड़ा ऊपर लो मैमी। हाँ ओके। हाँ अभी डिस्प्ले नहीं आ रहा, देयर इज नो पिक्चर, बीआईसी चेक करो। हाँ इट्स बैक नाउ, थोड़ा लाइट सॉफ्ट करो। हाँ 85 85। ओके थोड़ा हाइट पे लो। हाँ अभी सही है। हाँ सुनो ब्लू शर्ट, थोड़ा नीचे हो जाओ। हाँ अभी सही है, थैंक यू। सनम थोड़ा सा सीधा बैठो प्लीज, हिलो मत। हाँ ये परफेक्ट है सनम। सनम अब थोड़ा सा सीधे बैठो प्लीज, थैंक यू। राइट राइट, दूसरी तरफ। लेफ्ट या राइट? राइट राइट, नहीं नहीं दूसरी तरफ से राइट। हाँ ये सही है, ये सही है। अब कहीं और देखो। हाँ रिलैक्स करो, थोड़ा स्माइल करो, यू नो यू कैन रिलैक्स। अच्छा लगता है जब तुम स्माइल करती हो। हाँ बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, क्या पोज है, बहुत सही लग रहा है। बट तुम थोड़ा रिलैक्स भी कर सकती हो, जैसे यू कैन स्माइल। वाओ ये परफेक्ट है, बहुत सही सरम, वाओ ये अच्छा है। अच्छा सुनो, हम यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे पास एक परफेक्ट फ्रेम है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ ऐसे ही स्माइल करो, यू नो रिलैक्स, यू लुकिंग ग्रेट। अब मूव मत करना सरम, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, वैसे ही रहो एंड कीप स्माइलिंग। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। तुम्हें ठीक लग रहा है? फ्रेम परफेक्ट है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके जब तुम्हें ठीक लग रहा है तो मुझे भी ठीक लग रहा है, इट्स ओके। और सुनो सनम को ये कह दो कि उसे वहीं पर रहने देते हैं, यू नो आई जस्ट वांट टू सी लास्ट मोमेंट तक श्योर होने के लिए, मैं फिर से देखूंगा। ओके ठीक है, मैं पूरा क्रू चेक कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। ओके बाय। जाओ, क्या कर रही हो? यहाँ से जाओ, यहाँ मत आओ। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी शैडो आ रही है, तुम यहाँ पर क्यों पड़ी हो जैसे कि कोई पैरालाइज हो गई हो? टीम कंट्रोल खत्म हो गया, तुम पागल हो क्या? अभी शूटिंग शुरू हो रही है। हाँ हाँ चलो, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, सेट ऑन हो गया है। नहीं मैंने नहीं किया, ये सब तुमने किया ना। तुम चलो चलो चुपचाप मेरे साथ चलो। जरा ध्यान से। Let's start, guys. ये क्या तुम्हारे हाथ तो अभी भी कांप रहे हैं? ठीक है तुम ये कर सकती हो। मैम आप रेडी हो शॉट के लिए? गोली ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं, ओके गुड लक। गाइज अब तैयार है तो बताइए। तुम्हें शुरू करो। कम ऑन रोल कैमरा एक्शन। सॉरी कट इट कट इट, फिर से करते हैं चलो। उसके हाथ कांप रहे थे, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। शांत रह के करो, ऐसे सोचो कि तुम अपने किसी फ्रेंड को कॉफी पिला रही हो। ये रहते हैं, मैं क्या करती हूँ, स्ट्रेस मत लो। काम डाउन गुनीस, यहाँ आकर देखो कि तुमने क्या किया है। तुमने सब गड़बड़ कर दिया है, मैं जानती हूँ कि वो ये सब नहीं कर सकती। ओके डेरिन प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। वैसे मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ?
तो गाइस आप तैयार हैं? एक्शन। काट है। I'm sorry. तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तो उसकी वजह से हुआ। तो मैं क्या करूँ, मैंने तो कर दिखाया। कोई बात नहीं, उन्होंने एक्टर नहीं लाया, एक ऑर्डिनरी मैन लाया है। हाँ ठीक है। डेरन शर्ट चेंज कराओ। सनम, शर्ट चेंज करना पड़ेगा। हाँ मिस डेरन। क्या हुआ मिस डेरन? सनम वो दूसरा शर्ट उसे देना जो मैंने सिलेक्ट किया था। जी मिस डेरन। ओके, चलो फिर से करते हैं। इस बार कोई हिलाएगा भी नहीं, कोई गिराएगा भी नहीं। रोल कैमरा एक्शन। कट इट। ये तुम्हारी वजह से नहीं, एक वो कर नहीं पा रहा। वो ड्रिंक को बड़ा ही खुशी से पिएगा, हमको ये चाहिए। कर सकते हैं प्लीज, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलो फिर से लेते हैं, चलो उसको बोलो। चलो चलो बोलो ठीक से शॉट देने के लिए यार। जे, यस मैम। उसे बताओ कि ड्रिंक करते वक्त स्माइल करना है। ठीक है। देखिए सर, आपको ना स्माइल करते हुए इसे पीना है मार्केटिंग के लिए। हालांकि इतना बुरा नहीं है जैसा आप कर रहे थे, वैसा नहीं करना है। आपको अच्छा पैसा मिला है इसलिए प्लीज स्माइल कीजिए। समझ रहे हैं ना आपको क्या करना है? आप स्माइल करते हुए इसे पीना है। उसके लेबल को फिंगर से कवर कर लेता है, उसे थोड़े डिफरेंट एंगल से लेना होगा, यू नो। नहीं, उसके हाथ की पोजीशन बिल्कुल ठीक है, वो अपनी उंगलियों से लोगो दिखाएगा। आप इस तरह से सोच रही हैं मिस आइलैंड? हाँ, मैं तो ऐसा सोचती हूँ। मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन आप बहुत केयरफुल हैं। मुझे ये आपकी बात बहुत अच्छी लगी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन उसका हाथ उस एंगल से थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा। एक सेकंड डरन, हम लोग यहाँ पर एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं और ये कोई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए हमें कंज्यूमर का अटेंशन खींचना है और ये हम इनोवेशन के नाम पे कर रहे हैं। लेकिन जान, हमारे क्लाइंट्स आइलैंड, मुझे लगता है कि वो भी मेरी तरह ही सोचते हैं। गाइस, मिस्टर जान एक एक्सपर्ट हैं, इसलिए सही बात है। मिस्टर जान अब जैसा चाहे वैसा करें। ओके, थैंक यू सो मच। ऑलराइट दोस्तों, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो सब अपनी पोजीशन पे जाइए। जो चीजें तुम्हें पता नहीं उसमें इन्वॉल्व मत होना। ये एक एक्ट क्लिप है और लेबल कवर किया है, मैं बेवकूफ लगती हूँ तुम्हें? ओह, तुम हार गई। अब सब सही है ना? ओके, चलिए फिर से ट्राई करते हैं। ओके, इस बार स्माइली फेस रखना, कोई डरेगा नहीं। कॉन्फिडेंट स्माइलिंग फेस के साथ पीना है। बी कॉन्फिडेंट, यू कैन डू इट। या यू कैन डू इट। रोल कैमरा एक्शन। कट इट। एक बार फिर से लेंगे इस शॉट को। यार इसके साथ तो कैमोमाइल टी भी काम नहीं कर रही है। वो अच्छा काम करता है लेकिन उसके मैनर्स थोड़े अजीब है। खाओ। वो मेरी दोस्त है गुलेज, बहुत स्वीट है। उसको गॉसिपिंग बहुत पसंद है, पर वो लड़का वो वैसे काम नहीं कर रहा जैसे आपको चाहिए। थोड़ा आप लेंगे? नहीं शुक्रिया। अरे वाह, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है ना। अरे वाह, कितनी सुंदर एक्टिंग कर रही है ना खूबसूरत मेरी दोस्त। सनम, सुनो, तुम जरा इधर आओगे मॉनिटर के पास, जल्दी आओ, कम फास्ट। यहाँ पर आकर देखो। सॉरी, मॉनिटर में, इस मॉनिटर पे। कम या। मैं नहीं, यहाँ पर जोन का मॉनिटर देख रही हूँ। मैं तुम्हें देख रही हूँ। चलिए टेक करेंगे। रेडी रोल कैमरा एक्शन।
क्या कर रहे हो? मैं करता हूँ। ये क्या किया तुमने? कट इट, कट इट। जे जे, अरे क्या सोच रहे हो? ये ओपन बुफे लगा हुआ है तुम्हारे लिए? मैं तो बस इन्हें बता रहा था कि ऐसे स्माइल करोगे और पियोगे। क्या हो रहा चलो, है? भागो वहाँ से। अच्छा, हम शूटिंग पर हैं। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं जा रहा हूँ। ये उसके बिहेवियर का कुछ है। पर तुम उसकी चिंता मत करो। हाँ, तुम करो। रेडी, एक्शन। वो कौन है? उस्मान ने मीटबॉल्स बनाए, बहुत जबरदस्त। कौन है वो? जल्दी से मुंह खोलो, आ करो जल्दी से खा लो। मैं कह रहा हूँ, आ जाएगा तुम्हें, खा के तो देखो। वेरी गुड, तुम्हें से भूखे पेट काम मत करो। बताएगा मुझे आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर? माय गॉड, कौन है ये? अरे क्या पिकनिक स्पॉट है ये? कोई सिक्योरिटी है कि नहीं? भगाओ इसे। अरे ये क्या कर रहा है वहाँ पर? बुफे, तुम बाहर जाओगे? आई एम रियली सॉरी, हमारी ओपन बुफे में सब कुछ मिलेगा आपको। आइए, चल बाहर। जे जे, कौन है ये? पता नहीं, वो उसका दोस्त है ना। मैं नहीं जानती उसको। तो फिर वो कहाँ से आ गया? शांत हो जाइए। देखो तो कितना अजीब आदमी है ये। बिल्कुल फेक लग रहा है, जरा सी भी स्माइल नहीं कर रहा। कहां से ढूंढ लाए हो इसे? और नहीं तो क्या पागल हो जाऊंगा। क्या कर रहा है ये? रिलैक्स, इतनी सारी तैयारियां, अरेंजमेंट्स। मुझे पता नहीं अभी क्या करने वाले हैं। चलो करते सारी तैयारियां और फिर रिलैक्स होते हैं। वैसे तुम परफेक्ट कर रहे हो। हाँ, मैं देखता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। मैं यहाँ का सीक्रेट हीरो हूँ ना, तुम यही रुको, मैं भी आया। क्या बात है भाई साहब, आप कर क्यों नहीं पा रहे ऐसा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करके दिखाया था ना, थोड़ा ध्यान दीजिए ना। आपको इतनी दिक्कत हो रही है कि ये काम करने में? देखिए कितना आसान है तो सही। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुमने उसको वार्न किया? हाँ, मैंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से वार्न किया है उसे। Welcome, Pauline. Thank you, John. सनी भी यहाँ है? हाँ, वो हमारे साथ ही इस कैंपेन में काम कर रही है। मैंने तो उसे यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे तो लगा था वो केवल हेल्पर है। हाँ, लेकिन वो काफी स्मार्ट है, जल्दी ही सब कुछ सीख जाती है। अच्छा है। हाँ, देखो तो उन्हें। मैं इसे ठीक करके आता हूँ, रुको। सुनो, स्माइलिंग फेस के साथ पियो। मुझे ये प्रॉपर शॉट चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें मेरी छोटी सी बात? है, मेक इट स्माइलिंग फेस दो, आराम से पियो और स्माइल फेस दो, समझे? समझ गया तुम? अरे ये क्या कर रहे हैं? हाँ, लेट्स स्टार्ट। पेशेंस, लेकिन कब तक? हाँ, बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है कि करना क्या है और आके बैठ गया है। मैं उससे बात करती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ। जाओ, क्या समझाऊं तो मैं पागल हो जाऊंगा। जाओ समझाओ उसे कि क्या करना है। वैसे टीम को लंच ब्रेक दे देखे। ओके गाइस, इट्स अ लंच ब्रेक। चलो, वैसे भी बहुत भूख लग रही है। लंच, लेकिन सिर्फ 12 मिनट्स। मजाक कर रहा था यार, एक घंटे के लिए।
मिस्टर जॉन। थैंक यू मिस्टर जॉन। जरा इसे देखिए तो, इसे क्या हो गया है? देखिए सेट से पिक्चर्स आई हैं। दिखाओ जरा। आई विश तुम भी यहां होते। ये कितना खूबसूरत सीन है ना, कितना अच्छा लग रहा है। मैं इतने वक्त से यहाँ काम कर रही हूँ लेकिन कभी सेट पर नहीं गई। पता नहीं ये सेट कैसा होता है। तुम वहाँ जाना चाहती हो? काश मैं जा सकती। तो फिर चलते हैं। सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, तुम रेडी हो जाओ। सीरियसली कह रहे हैं क्या? हाँ। लेकिन हमको अपना काम भी पूरा करना है ना। मैं अपना लैपटॉप ले रहा हूँ, तुम भी ले लो। ठीक है, मैं जरा सही करके आती हूँ सब कुछ। ठीक है, आ जाओ। दिख रही है वो, कितनी खूबसूरत है। हाँ दोनों अच्छे लगते हैं साथ में। मिस्टर जॉन के लिए कितनी परफेक्ट है, बड़ा ही अच्छा कपल लगता है वो। उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सुपर्ब सुपर्ब। हाँ पता है वो बहुत ही सुपर्ब है, लेकिन लगता नहीं कि इस कंट्री के लिए कुछ ज्यादा ही। नहीं नहीं तुम खाओ, इट्स ओके। मेरा मन नहीं है। वो दोनों साथ में कितने परफेक्ट लग रहे हैं, एकदम हाई स्टैंडर्ड। मुझे तो लगा ये मिस आइलैंड होगी, कितना सिमिलर दिख रहे हैं ना दोनों। कुलभाई बहन गले में कुछ फंस गया है, निकालो निकालो। देखा अब तो मर ही जाती है। भगवान ने बचा लिया। तुम ऐसे अचानक से मत बैठा करो, मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज। देखो तुमने क्या किया। कैसा लगा? उस्मान सब कुछ ठीक है, तुम्हारा खाना सबको पसंद आ रहा है। मैंने तुम्हारा फोन नंबर दिया है कुछ लोगों को, देखना तुम एक सक्सेसफुल केटर बन जाओगे, मैं श्योर हूँ। ये सब लैला की वजह से हुआ है, और हाँ जबरदस्त ने भी काफी मदद की है मेरी इसमें। तुम कर लोगे मुझे पता था। जबरदस्त खाना खाया तुमने? खाया सलेम, सच में तुम्हारे हाथों में जादू है। शुक्रिया, उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी। एक्चुअली मेरा हो गया। मीट बॉल्स तो बहुत अच्छे थे। उस्मान थैंक यू सो मच, खाना बहुत अच्छा था यार, सभी को बहुत अच्छा लगा, एंड इट्स ग्रेट, थैंक्स। आपका शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई, आपका क्रू बहुत ही हेल्पफुल है। मिस्टर उस्मान मीट बॉल्स खत्म हो गए, हमें और बनाने पड़ेंगे। बातचीत करना बंद करो और यहाँ पर आकर काम शुरू करो। आ जाओ, ये सब होता रहेगा, बाद में करना। मैं देखता हूँ। तुम ड्रिंक पियोगे? शुक्रिया। तुम्हारा उस्मान के साथ काफी अच्छा रिलेशन है, दोनों काफी फ्रेंडली हो, जबकि कुछ दिन पहले लवर्स थे। हाँ, जैसा आपका पोलिन के साथ है, ऐसा लगता ही नहीं कि आपका ब्रेकअप हो चुका होगा, आप फिर से एक हो गए हैं, ऐसा लगता है। मुबारक हो, मुझे बहुत खुशी है इस बात से। तुमसे किसने कह दिया कि हम दोनों लवर्स हैं? गुलीज और पोलिन ने। आपने फ्लाइट की टिकट कैंसिल कर ली, फिर आप दोनों हट में साथ साथ थे, और आप तो यही चाहते हैं ना? तुम उस रात वहाँ से चली गई थी, क्या पॉले ने कुछ कहा था? नहीं, मुझे वापस जाना था। लेवन के साथ थी ना? वैसे उस रात तुम लेवन के साथ कहाँ पर थी? नहीं तो, मैं तो उसके कार में भी नहीं बैठी, मैं तो टैक्सी लेके घर चली गई, और फिर पोलिन से बात हुई, उसने कहा कि उसे हट तक छोड़ो, मैं उसे वहां छोड़कर घर चली गई। नहीं हम हट में नहीं थे सर, तुम्हारे जाने के बाद हम घर चले गए, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, ये बात याद रखना है। मैं तो रिलैक्स हो गई। आप ही हो गए होंगे,
लंबी दूरी का रिश्ता बहुत मुश्किल होता है, वो एयर टिकट्स, घंटों तक की फ्लाइट, मुश्किल होता है निभा पाना। और 11 की बात है, वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं उसके कार में नहीं बैठी थी। वो एल्बेट्रॉस नहीं था? नहीं, वो नहीं था, लेकिन मैं जानती हूँ मेरी फीलिंग बहुत पावरफुल है। यस, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फीलिंग कितनी पावरफुल है। हाँ ठीक है, जल्दी मिलते हैं। मैं भी फिर मिलती हूँ आपसे। तुम भी उस्मान का खाना ट्राई करना चाहिए। हेलो मिस्टर जान, सब ठीक है? चलो चलते हैं। हेलो, चलो मैं तुम्हारे लिए चलती हूँ। कैसा चल रहा है? हाँ वैसे तो सब कुछ अच्छा ही है, और धूप में तो शूट के लिए अच्छा है। गाइज लंच ब्रेक खत्म हो गया है, आ जाओ जल्दी, आ जाओ सब लोग जल्दी। ने जो सेक्टर का सिलेक्शन किया है वो जूस पीते वक्त ढंग से स्माइल भी नहीं कर पाता है। अगर इस तरह से प्रोडक्ट बेचेंगे तो कस्टमर हमसे नाराज हो जाएंगे। आइलैंड तुम कहीं सपोर्ट का दिखावा तो नहीं कर रही? सपोर्ट? तुम्हें याद दिला दूं कि ये मेरा जॉब है, अगर तुम बाजू हटोगी तभी मैं कस्टमर से बात कर पाऊंगी ना। तुम तो हमेशा उनसे चिपकी ही रहती हो, बस क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। अरे यार तुम लोगों ने फिर से शुरू कर दिया ना, क्या हो गया ऐसा बताओ, क्या इशू क्या है? मिस्टर जान, लेट्स डिस्कस इट, कम ऑन। या हम बुरी तरह से फंस गए हैं मिस्टर जान। क्यों? आइलैंड ने जिस एक्टर को सिलेक्ट किया वो फालतू निकला। अरे यार वो फालतू नहीं है, हाँ ये बात है कि वो थोड़ा सा डर गया है, दैट्स इट। नहीं, आप कह रहे हो स्माइल, वो ये नहीं कर सकता, वो ड्रिंक करते वक्त स्माइल नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसी बातें होती रहती है, हम सॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। मैंने इससे कहा लेकिन इस पर कोई असर ही नहीं पड़ता, मेरी बात ही नहीं सुनती, सिर्फ नेगेटिव सोच। मुझे समझ नहीं आ रहा नेगेटिव शांत कैसे दिख सकते हो। मिस जारन, एक्टर का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो चुका है, अब क्या करें? ये क्या कह रहे हो जे जे? उसको डायरिया हो गया है, डायरिया, उसके ऑर्गेनिक जूस की वजह से वो बीमार हो गया है, वो अभी भी टॉयलेट में कैसे है। हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। जे जे प्लीज इतना पैनिक मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, विल सॉल्व इट। तुम अपना काम करो जाके, तुम जाओ रिलैक्स करो, मैं देखता हूँ, मैं जाकर क्लाइंट से मिलता हूँ और ये रिजॉल्व करता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर जान? कैसे कह सकता है मैं सब कुछ ठीक कैसे करूंगी? ये क्या कह रहा है, ये रिलैक्स करने के लिए कैसे कह सकता है? मुझे नहीं पता क्या करेंगे हम। हम क्या कर सकते हैं, पता नहीं क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? ये हाँ कौन है, क्या तुम्हारी क्रू मेंबर है? नहीं, हम में से कोई नहीं है। आयन, मैं ये कह रही थी। आयन, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। जो एक्टर है ना उसको डायरिया हो गया है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ चुका है, हमको कोई और एक्टर ढूंढना पड़ेगा, मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। आ रही है, इससे पहले देखा नहीं? हमको कोई और एक्टर ढूंढना होगा आयन, मैं तुमको इंट्रोड्यूस करता हूं। मैं एहान हूँ, जे जे की लाइफ कोच हूँ। हेलो, लाइफ कोच, इसका क्या मतलब है? मैंने सुना है कि आपको एक नया एक्टर चाहिए, वैसे हम अरेंज कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इतना आसान भी नहीं है। लेकिन कैसे ढूंढ सकते हैं? हमें अभी नया एक्टर कैसे मिलेगा? और कैसे? मुझे वो एक्टर मिल गया। नहीं होगा, तुम ये कर सकते हो, मान भी जाओ ना। नहीं नहीं, हाँ तो बोल दो, एक बार के लिए हाँ कह दो ना। हम तुमसे बहुत सारी चीजें करने को नहीं बोल रहे हैं, प्लीज एक बार मान जाओ ना, हाँ कह दो ना, मेरे लिए ही हाँ कह दो, सच में। मान जाओ ना। चलो सब रेडी। So are we ready? I hope so. शायद काम हो जाए, देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। Guys ready? Light, camera, action. Thank you.
कट कट। क्या बात है, मजा आ गया, क्या बात है। आई गेस टेक तो परफेक्ट था, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। ओके गाइस, द शूट वाज परफेक्ट, थैंक्स एवरीवन, इट्स अ रैप। Thank you guys. Thank you. Yes, thank you so okay, much. You. Thanks, thanks. Okay, take care. See you. बहुत वक्त लग गया। हाँ, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन सब कुछ परफेक्ट था। सही है। तो जान, हम चले? बोलें, एक्चुअली मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब तक क्रू ना चला जाए मुझे इंतजार करना होगा। तुम जाओ तो यू कैन गो। ठीक है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। ठीक है, तो मैं कार के पास इंतजार करती हूँ। ठीक है, ठीक है, सी यू। सी यू, बाय। चलो मिलता हूँ। मिस्टर एमरे, मिस्टर एमरे, आप कार से वापस जा रहे हैं? हाँ, लेकिन मेरे साथ पोलैंड जा रही है, यहाँ से दूसरी गाड़ियाँ जा रही है, तुम उसमें आ जाना। ठीक है, चलो ऑफिस में मिलते हैं। ओके, माय प्लेजर। लैला, हम वापस जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। थैंक यू। सनम सुनो, सपना देखना छोड़ दो यार, तुम अपने आप को क्यों हर्ट कर रही हो? तुमने खुद से वादा किया था ना। ठीक है, तुम हमेशा सही कहते हो। गर्ल्स, तैयार हो चलने के लिए? चलो। मैं नहीं आ रही, मुझे जंगल से जाकर फूल लाने हैं, तुम लोग जाओ। सनेम, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा? मैं तुम्हें ऐसे जंगल में अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं उनसे क्या बोलूंगा कि सनेम को मैं ऐसे ही जंगल में अकेला छोड़ कर आ गया? कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? जबरदस्त, प्लीज यार। मैं समझाती हूँ। देखो मुझो, यहाँ सनम को बहुत सारा काम है, वैसे भी हम दोनों थक गए हैं, तो हम दोनों चले जाएंगे। चलो, ध्यान रखना अपना। आयन, आयन, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? एक्चुअली मेरा काम तो हो चुका है, तो हाँ, तुम हमारे साथ आ सकते हो, वैसे भी हमारे पास बहुत ज्यादा खाना बचा है, तुम खा सकते हो हमारे साथ। क्या तुमको कार्टून्स पसंद है? हो सकता है कि हम कार्टून्स देखें या फिर एनिमेशन। आई लव इट, मुझे एनिमेशन बहुत पसंद है। वैसे मुझे वो चूहे वाला कार्टून है ना, वो देखना बहुत पसंद है। अरे पेट संभाल कर, तुमने वो चूहे वाला कार्टून देखा? और खरगोश भी साथ में है, लोग कहते हैं कि मैं खरगोश की तरह दिखता हूँ। सच में? चलो देखते हैं। जान, इतना डर के रही हो? मैं हूँ, कोई और नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हें यहाँ पर अकेले आते देखा, तो मुझे लगा कि मैं भी आ जाऊँ, यू नो, सेफ्टी के लिए। जंगल में अकेले सेफ नहीं है। मैं तो फूल लेने आई थी। फ्लावर्स? परफ्यूम के लिए क्या? हाँ। ऑलराइट, इट्स फाइन, तो तुम फ्लावर्स कलेक्ट करो और फिर हम यहाँ से चलते हैं। You know, वही अच्छा रहेगा, साथ में यहाँ से चलेंगे। इसमें वक्त लग जाएगा। अच्छा, सच में? हाँ ठीक है, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहीं पे इंतजार कर लूँ। अरे यहाँ तो वो मधुमक्खी का छत्ता भी है, मैं मधुमक्खी का छत्ता देखता हूँ, इंटरेस्टिंग है।
मैं इसे जाकर देखता हूँ, लेकिन तुम इसके करीब मत आना, बहुत खतरनाक है ये। मिस्टर जॉन, मुझे वक्त लग सकता है और मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तुम श्योर हो? ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं तो मधुमक्खी का छत्ता देख रहा था, वहीं जा रहा था मैं। पर ठीक है, जो के बट बी केयरफुल, इधर ही रहना और प्लीज उस तरफ मत जाना, ठीक है ना? सी यू। सी यू। वैसे तो मैं बता दूं, एक्चुअली पॉलिन से मेरा ब्रेकअप हो चुका है। अब मैं रिलैक्स हो गई हूं। फूल अपनी खुशबू तब बिखेरता है जब उन्हें सुबह जमा किया जाए। हर चीज का अपना एक वक्त होता है, और जब तक वो वक्त ना आए, मुझे अकेले रहना सीखना होगा, किसी फूल की तरह। जान, नहीं नहीं, क्या ये आप हैं? अरे नहीं, ये तो सच में आप हैं। हमेशा भागते रहते हो, कभी जमीन पर, कभी समंदर में। मैं यहाँ से जा रही हूँ। इससे जान, मेरे पीछे मत आइए, प्लीज यहाँ से चले जाइए। इससे जान, यहाँ से। मैं भी तुम्हारी तरह एनर्जेटिक हूँ, मुझे गुस्सा तो नहीं होना? हाँ मिस्टर जान, आप ये क्या कर रहे हैं? सच कहो तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कहा था ना कि मैं अकेले रहना चाहती हूं, तो आप क्यों आए हैं यहां पे? पर अकेले क्यों रहना चाहती हो? बस कुछ सोचने और समझने के लिए। उसके लिए अकेले रहने की जरूरत नहीं है, साथ में रह के सोचेंगे ना। तो मेरे साथ अकेले रहना चाहोगे? मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? माय एंकल, मिस्टर जॉन, मुझे लगता है ये टूट गया। क्या हुआ? मेरा एंकल। मिस्टर जॉन, व्हाट हैपेंड? टूट गया। सना, यहाँ क्या कर रही हो? ये टूट गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो? क्या जाने दो, एक बड़ी मुसीबत आ गई। कैसी मुसीबत? कैमरा का कार्ड टूट गया है। अभी तक जितना भी हमने शूट किया सब बर्बाद हो गया। मतलब हमें फिर से शूटिंग करनी होगी। मैंने कस्टमर क्रू को कॉल किया है, वो अभी यहाँ आते ही होंगे। लेकिन ये परसों भी हो सकता है। हाँ, लेकिन टेंशन मत लो, आई विल मैनेज। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सबको पता है कि काम खत्म हो गया है। अरे मैं क्लाइंट से बात करता हूं। वो इंतजार कर
रहे हैं। नहीं, वो वहाँ इंतजार कर रहे हैं और मैं यहाँ पानी में कूद गई थी। ऊपर से मेरा एंकल भी टूट गया है, अब मैं क्या करूँ? तुम तो बिल्कुल चुप रहो सनम। अरे इसे चोट लग गई है, मैं तुम्हें उठा लूँ क्या? आई ओके? चल मी सनम। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम चल पाओगी खुद से? ट्राई करके देखो, चल के देखो। हाँ आराम से, आराम से। हाँ ओके, आराम से। मैं तो चल सकती हूँ। ओके चलने की कोशिश करो। मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ। सब ठीक है, चल सकती है ना? ओके चलो, जल्दी चलिए, हमें काम करना होगा। हाँ जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी करना होगा। सब कुछ सॉल्व करना। चलो मिस डेरेन, जल्दी चलो। मिस्टर जॉन, ये क्या है, आप गीले हो गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। वो बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे गीला होना पड़ा। मैं भी ठीक हूँ। मुझे नहीं पता कि ये मिस्टेक कैसे हुई, लेकिन हम लोग बड़ी मुश्किल सिचुएशन में आ गए हैं। सब ठीक तो है ना? देखिए ये मिस्टेक नहीं है। देखिए जहाँ तक मैं जानता हूँ ये टेक्निकल इशू है, कैमरे का कार्ड टूट गया है और ऐसा होते रहता है। आई मीन इट हैपेंस ऑल द टाइम। मिस्टर जॉन, हमको कल ये ऑन एयर करना है और ये चेंज नहीं हो सकता। शूटिंग, मॉन्टाज, ये सब बहुत अर्जेंटली करना पड़ेगा। क्या हम कैंसिल करते हैं? ऐसा लगता है ये इम्पॉसिबल है। आपको क्या लगता है मिस्टर जॉन? नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड, इट्स वेरी अर्जेंट, तो हम इस पे काम करते हैं। सो वील इंश्योर कि ये आज ही रेडी हो जाए और कोई भी इशू ना आए। सो हम रीशूट का प्लान अभी से शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं पिछला सब डिलीट हो गया है, फिर से शूटिंग होगी। हाँ, ओह माय गॉश, क्या वो सनीम है? ओ नहीं, लैला ने देख लिया। वो सनीम है? हाँ ये सनीम ही है, और वो देखो जान जी भी गीले हैं। आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये दोनों गीले गीले कैसे हो गए? सनीम क्या हो गया, तुम इतनी गीली कैसे हो गई हो, क्या हो गया था तुम्हें? वो तैर कर आई हूँ मैं। तुम कपड़ों के साथ क्यों तैरने गई? तो क्या हुआ, वहाँ एक टर्टल था, उसे बचाने के चक्कर में मैं समंदर में कूद गई और वहाँ मेरा एंकल मुड़ गया और मुझे बचाने के चक्कर में मिस्टर जान समंदर में कूद गए और फिर हम दोनों डूब गए। जान जी ने उसे बचा लिया पर मैं उसे बचा नहीं पाया, उसकी नजरों में मैं हीरो नहीं हूँ अब, जान जी हीरो बन गई। ये लो इसे देखो। किस वक्त ये सब हुआ, जब सारी चीजें ऊपर नीचे हो गई? ओके मैं उन्हें जाके देखती हूँ। तुमको जुकाम हो जाएगा, जाओ चेंज कर लो, कॉस्ट्यूम पहन जाओ और वहाँ पर कुछ पहन लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ सनीम, तुम बीमार हो जाओगी। मैं आज शूट फिनिश करके कल ही आपको डिलीवर कर दूंगा। अगर आपको ये रीशूट का वीडियो पसंद नहीं आया देन डोंट पे अस, बट आई एम श्योर यू लाइक इट। ठीक है मिस्टर जॉन, हमको आप पर पूरा भरोसा है, आपसे कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट। बाय, कल मिलेंगे। हम प्लान क्यों करेंगे, ये कोई मजाक नहीं है। ओके मिस्टर जॉन, हम कल पर नहीं टाल सकते, वैसे भी हमारी क्रू यहाँ पर है, अभी तक हम कल सेट तैयार नहीं कर सकते। अभी फिलहाल आई विल गो एंड चेंज, यू डू वन थिंग, और हमारी कास्ट और क्रू को यहाँ पर बुलाओ, एक मीटिंग करते हैं, रीशूट का प्लान सबके साथ शेयर करते हैं, लेट्स इंश्योर कुछ गड़बड़ ना हो। ब्रावो डेरेन, तुम प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करोगी, अगर मैं शान होती तो तुम्हें निकाल देती। कौन हो तुम, अगर मैं मिस्टर जॉन होती तो मैं तुम्हें भी फायर करती। सनम तुम दौड़ क्यों रही हो? तुम भी दौड़ो। हाँ मतलब हम क्यों दौड़ रहे हैं, बताती हूँ सब कुछ। आखिर बात क्या, इतनी खुश क्यों हो? आज मैं बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ। मैंने और मिस्टर जॉन ने मिलकर एक डिसीजन लिया है। क्या बात है? वो मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करता है। ये उसका डिसीजन है? नहीं, उसने उस बारे में बात नहीं की, लेकिन वो पसंद करता है। मैंने उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मेरे लिए यही बहुत है कि हम लोग साथ हैं। हाँ कहीं वो डेली रिलेशन की बात तो नहीं कर रहा था? हा? ये सब तो मैंने उससे नहीं पूछा, लेकिन मैं बता रही हूँ ना कि वो मुझे पसंद करता है। सनम तुम किस बात को लेकर खुश हो, मुझे बताओगी प्लीज? अयान मैंने बताया ना कि ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन वो मेरे साथ रहना चाहते हैं, मेरे साथ वक्त बिताना चाहते हैं, और इससे ज्यादा मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। और देखो ना मैंने भी उनसे कितना झूठ बोला, और अगर आप ईमानदार नहीं हो तो क्या फायदा, सिर्फ एक दिन हम साथ बिताएंगे, सिर्फ एक दिन की ही बात है,
बहुत बड़ी गलती है ये। गलती कर रही हो तुम सनम, मैं बता रही हूँ, एक बार सोच लेना तुम। कैसी गलती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तो सोचना भी नहीं चाहती। सोचने से क्या फायदा होगा? तुम रियलिटी से भाग रही हो। कितनी बार मैंने समझाया कि प्रैक्टिकल बनो, लेकिन तुम हमेशा भागते रहती हो। अयहान, अयहान, मैं नहीं चाहती रियलिटी फेस करना। मैं अपने सपनों को एक दिन में जीना चाहती हूँ। पता नहीं अब क्या होगा। सनम कहाँ है? आखिर क्या हुआ था उसे, वो गीली क्यों हो गई? उसने जो कहानी सुनाई है मुझे उस पर यकीन नहीं है। भाई मुझे कैसे पता होगा, मेरी उससे ज्यादा बात नहीं हुई। वैसे भी वो मिस्टर जान के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है, वैसे भी उसे किसी और बात की कोई चिंता नहीं है। क्या ऐसा कहा उसने? तुम लोग मेरी बात सुनो, मुझे जो भी करना है मैं करूँगी, बस। देखो अब हम उसे रोक तो नहीं सकते, करने दो उसे जो मन है, करने दो उसे, उसे रोक कर कोई फायदा नहीं होगा। जीने दो से अपनी जिंदगी, लेकिन वो भूल रही है कि उसने कितने झूठ कहे हैं। देखो भाई, जो हो रहा है उसे होने दो, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वैसे ही कर रही हूँ जैसा तुमने कहा है। ओके बाय। कस्टमर को वो एक्टर नहीं चाहिए, उसे उस्मान ही चाहिए। ठीक है तुम कुछ मत करो, मैं देखती हूँ। ओके, और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का दूसरा बजट भी हमें कस्टमर्स को भेजना है मिस्टर जॉन। डोंट वरी, एमरे मैनेज करेगा। ओके मिस्टर जॉन, कल डायरेक्टर नहीं आएंगे, वो बिजी हैं। कॉल बहादुर, वो भी तो बिजी ही हैं। रुक जाओ, मैं ये काम कर लूंगी, मैं उन्हें अभी के अभी कन्विंस करती हूँ। मिस्टर एरन, मिस्टर जॉन, कस्टमर्स को वीगन मीट बॉल्स बहुत पसंद आए हैं। हमको सेम खाना कल फिर से कुक करना पड़ेगा, उन्होंने मेन्यू भेजा है, उनको साथ में एक्स्ट्रा ऐसा ही था, पता नहीं क्या था, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या था। कुछ था तो सिस्टर को जैसा, पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे ठीक से। मैं आपको बात बताऊं क्या, तो चलेगा ना, क्योंकि मुझे भी याद नहीं आ रहा। कैबेज का अचार, ये पहले नहीं बोल सकते थे? इतना टेंशन में आ गया मैं, कैबेज का अचार भी मेरे को टेंशन दे रहा है। देखो सॉरी मिस्टर जान। जे जे लिस्ट लेके वहाँ उस्मान के पास जाओ और प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है मिस्टर जान, ठीक है। उस्मान, अच्छा मेरी बात सुनो, हमको इसमें लिखा हुआ खाना बनाना है, और जबरदस्त तुम भी आकर देखो, ठीक है? मिस्टर जॉन, मेकअप आर्टिस्ट बहुत बिजी है, आरजू ताज के सेट पे हकान था, मैं उसको अभी कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है, कॉल कर लो। ठीक है। अच्छा हाँ सुनो, वो दाढ़ी वाला इंसान था ना, वो आदमी। ओके हाँ, वो आदमी मुझे नहीं चाहिए, किसी भी कॉस्ट पे नहीं चाहिए। मिस्टर जॉन, आपके देखो मुझे इस पे कोई डिस्कशन नहीं करना, मुझे वो नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। पिनार अवेलेबल नहीं है मिस्टर जॉन, मुझे कोई नहीं मिल रहा, या तो वो वेकेशन पर है या फिर बिजी है, मैं क्या करूं? तो इसमें जॉन क्या कर सकता है, तुम ही कोई सलूशन ढूंढ लो। ठीक है मैं ही करूंगा शूट। कॉस्ट्यूम सारे वही है ना? हाँ है, लेकिन मैनेजर नहीं है। ओके गुलिस, तुम कॉस्ट्यूम संभालो। हाँ, लेकिन मिस डेरिन, मैं तो सिर्फ एक एक्ट्रेस हूँ, मतलब सेट पर। कोई बात नहीं, तुम एक्ट्रेस भी रहो और अपने कॉस्ट्यूम्स भी अच्छे से संभाल लो, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम्स तुम ही पहनोगी। एक मिनट, रिलैक्स डेरिन, रिलैक्स करो, टेक्निकल साइड सारे तुम संभालना। ओके, और बाकी की क्रिएटिव चीजें हम संभाल लेंगे। ओके ओ नो, ये हमेशा बिजी रहता है, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए लगता है कि असिस्टेंट रखनी पड़ेगी। सनम ने एक लिस्ट तैयार की है, वो मदद कर सकती है। सनम कहाँ है? वो आ रही है सनम, देखिए। क्या हुआ, आप लोग कॉस्ट्यूम में नहीं हो? क्या हुआ मिस डेरिन? गुलीज, सनम को भी लिस्ट दो, बिजी लोगों को छोड़कर बाकी लोगों से कनेक्ट करोगी। ठीक है मिस डेरिन। ओके, तो कल शूटिंग है और उनको थोड़े स्क्रिप्ट में चेंजेस भी चाहिए, तो जल्दी फिनिश करते हैं और हम फिर कल 6 बजे से शुरू करेंगे शूट। इसरा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम वेकेशन पर हो और मैं नहीं चाहती कि वो तुम कैंसिल करो, बस एक दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा, और तुम दूर भी तो नहीं हो, तुम यही आसपास हो, और मिस डेरिन भी चाहती है कि उनके पास एक स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट हो, तो मैं उन्हें कैसे कह सकती हूँ कि तुम नहीं आओगी, उन्हें बुरा लगेगा और पता नहीं शायद वो मुझे जॉब से निकाल दे, तो प्लीज़। हाँ ठीक है, ठीक है, आपका बच्चा है तो हम उसकी केयर करेंगे, पर प्लीज़ ना मत कीजिए,
ठीक है, आप आएंगे? थैंक यू मिस्टर जॉन। हाय सनम। हेलो। तुम्हें चाहिए? थैंक यू मिस्टर जॉन। कैसी हो? ठीक हूँ, आप? मैं भी ठीक हूँ, सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है, आप कैसा फील कर रहे हैं? हाँ सब ठीक है, हाँ पहले से तो अच्छा ही फील कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि पोलन नहीं आएगी। एक्चुअली हाँ वो चली गई है, वो वापस नहीं आएगी क्योंकि उसे ऐसी जगह पसंद नहीं आती है। समझ गई, वो यहाँ आपके लिए आई है, आपके साथ रहने के लिए, उसे आपके साथ वक्त बिताना होगा। हाँ एक्चुअली सेपरेट होने में बुरा तो लग रहा है क्योंकि हम दोनों एज कपल बहुत दिनों तक साथ हैं और हर बार हमने एक दूसरे का बहुत ज्यादा साथ दिया है, इसलिए पोलन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तुम उसे जानोगी तो पसंद करोगी। हाँ मैं समझ गई। पर सब खत्म हो गया और ये समझने में उसे थोड़ा और टाइम लगेगा। हाँ वक्त तो लगेगा। सनम, मिस्टर जॉन, हमारे वो समंदर के पास बिताए गए पल, हाँ हमारी हमारी यादें, क्या हम दोनों फिर से वही सब बातें करें? यू नो उसी तरह समंदर के पास सिर्फ तुम और मैं। अगर नहीं तो क्या, क्योंकि मैं ऐसी बातें करने में अच्छी नहीं हूँ क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा। हाँ तुम सही कर रही हो, हम बात नहीं करेंगे, खामोशी बेहतर है, उस पर सवाल नहीं उठाते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी तुम पॉजिटिव तो हो ना हमें लेकर, मेरा मतलब तुम मेरी साइड तो रहोगी ना सना? हाँ मैंने नहीं छोड़ा, सेम ही है। हम यहाँ पर अकेले नहीं रह सकते ना? हाँ ये क्राउडेड जगह है। ओके हाँ मैं क्या, मुझे यहाँ सुबह 6 बजे आना है, मैं घर नहीं जाऊँगा, यहीं पर रुकूंगा। मैं यहीं रुकूंगा और तुम भी चाहो तो यहाँ पर रुक सकती हो, यहाँ पे कंफर्टेबल टेंट भी है, कार में एक स्लीपिंग बैग भी है, रुक जाओ। हाँ मुझे चाहिए खुली हवा, स्लीपिंग बैग, लेकिन माँ मुझे मार डालेगी, मेरी बहन के साथ मुझे वापस जाना होगा। थैंक यू। एक मिनट। थैंक यू। बहुत टेस्टी है। कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे, लेकिन ये फ्लावर्स क्यों डाले हुए हैं तुमने पता नहीं? ये कॉस्ट्यूम पे अटैच है, मैं निकाल हाँ, मत निकालो, तुम पे ये बहुत सूट कर रहा है सच में, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक यू। काश मैं आपके साथ रह सकती। हाँ किसने कहा नहीं रुक सकते? नहीं शायद आपने सुना नहीं, मैंने बताया मेरी माँ मुझे मार डालेगी अगर मैं घर नहीं गई तो, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। समझा। अच्छा मुझे सर्दी हो गई है। God bless you। तो तुम्हें इससे एलर्जी है? खुली हवा है के लिए तैयार है ना? मुझे कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए, एक भी नहीं। ओके तो हम कल मिलते हैं। क्या हो रहा है? बाय, कल मिलेंगे। सब ठीक है ना? सब ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारी एक्स से बहुत प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके साथ क्या करूं। ओके उसकी बिहेवियर बहुत वियर्ड है। कुछ खास बात है क्या? वैसे कोई सीरियस बात नहीं है, हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। तुमने उसका स्माइल देखा? मुझे उसके स्माइल पर शक होता है क्योंकि वो कभी दिल से नहीं हंसती। सच में कभी कभी मैं भी यही सोचता हूँ। हाँ। लेकिन तुम्हारे साथ उसे मुश्किल होगी। क्या मतलब? मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। ऑर्किड के कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है? वहाँ देखो, मिस्टर अली आ रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर अली। ओके गाइज एक सेकंड मेरी बात सुनो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब हमारा शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है,
जैसा कि हम जानते हैं कि कल सुबह 6 बजे शूट है, तो हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, एंड दैट्स व्हाई आने जाने के बजाय हम यहीं पर रुकेंगे। उस्मान, तुम अपनी टीम के साथ यहीं रहो, और हाँ, शायद आज रात का खाना तुम्हें यहाँ बनाना पड़े। ओके, ठीक है, अब फिक्र मत कीजिए, हम शॉपिंग करने जाते हैं, सब कुछ हो जाएगा। ओके, सुपर। तो फिर मुझे जेजे से नई लिस्ट लानी पड़ेगी। चलो रुकते हैं। जेजे, क्या तुम मुझे लिस्ट दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा ना। थैंक्स। लैला, क्या तुम भी यहाँ रुकने वाली हो? बताओ। अगर मिस्टर एमरे कहेंगे तो मुझे रुकना पड़ेगा उस्मान। ठीक है, मतलब कि रुकने के चांसेस है तुम्हारे? हाँ। ठीक है, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, क्या तुम आना चाहोगे हमारे साथ में? मुझे बहुत सारे काम करने हैं उस्मान, मैं उनको करती हूँ, फिर हो सकता है कि कंपनी की कार मुझे छोड़ देगी। कंपनी की कार? मतलब हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? एक तो ये कैसी कंपनी है, जंगल में बुलाती है। चलो घर चलते हैं और सुबह आएंगे, यहाँ बैठने की हमें कोई जरूरत नहीं, हमारी जान को खतरा है यहाँ पर, समझ रहे हो तुम लोग? मुजफ्फर, मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, चलो मेरे साथ आ जाओ। अगर सनेम इस जंगल में रुकेगी तो मैं भी उसके साथ यहाँ पर रुकूंगा, उसका गार्ड बनूंगा, पता है यहाँ जंगल में कितना खतरा है, इसलिए मुझे सनेम के पेरेंट्स को बताना ही होगा। जबरदस्त, तुम मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं बताओगे, ठीक है? मैं उन्हें खुद बताऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे साथ मैं रहूंगा तो उन्हें फिक्र नहीं होगी, लेकिन अगर तुम खुद उनसे बात करना चाहती हो तो कर सकती हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा ही। ठीक है, मैं कर लूंगी। चलो मुजफ्फर, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। मिस जैरन, मैंने एसरा से बात की है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तुम बाकी सबको कॉल करो। सनम, तुम्हारी एंकल इंजरी के बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं, ओके? श्योर। जाओ कॉल करो। ठीक है, बताती हूँ। मिस्टर जान, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ हाँ बोलो। जरा इधर आएंगे प्लीज? वहाँ पर आऊँ? थोड़ा प्राइवेट। ओके गाइस, मुझे एक मिनट एक्सक्यूज करना। हाँ जैरन बोलो। मिस्टर जान, ये लोग कहाँ सोएंगे, आपने इस बारे में सोचा है या नहीं? हाँ, यस, यू आर राइट। जेजे, जेजे, जरा इधर आओ। डेरन पूछ रही है कि आज लोग कहाँ पर सोएंगे, तो हमें टेंट्स चाहिए होगा। ऑलराइट, तो जाओ ड्राइवर को कॉल करो और सारे टेंट्स का अरेंजमेंट करो, यहाँ पर सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर जो भी रुक रहा है उन्हें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिस्टर जान, उनका साइज और कलर, अरे आप कुछ बता सकते हैं ऐसा? मैं भी क्या फालतू चीजें पूछ रहा हूँ, है ना? मैं समझ गया, मैं करता हूँ। All right, do it. ठीक है? अब मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये सब मेरे कंट्रोल के बाहर होते जा रहा है। Darren, for God's sake, please relax हो जाओ, chill करो। देखो हम नेचर के कितने करीब हैं यार, सुनो, हरियाली है यहाँ पे, नेचर है, so just enjoy this, complain मत करो यार। और यहाँ नेचर में, पीस में, तुम्हें सच में बहुत अच्छा लगेगा। क्या, कैसे? मुझे यहाँ टेंट में रहना पड़ेगा मिस्टर जान। अरे ऑब्वियसली यार, हम तुम्हारे बगैर कैसे रहेंगे, कैसे शूटिंग करेंगे, ये तुम्हारी टीम है। अरे सनम, तुम ये क्या कर रही हो? मैं तो सिर्फ देख रही हूँ। ठीक है, अब तुम अपने काम पर ध्यान दो। सनम, मेरी मदद करो, बहुत सारा काम बाकी है। हाँ ठीक है। अरे ये तुम क्या कर रही हो, इस तरह से नहीं, ये महंगी है, तुम्हें पता नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक खाने लायक है, तुम भी इसको खा सकती हो क्योंकि ऑर्गेनिक है और पचने में भी अच्छा होता है, तुम्हें पता है ना? अब तुमने तो खा लिया। अभी नहीं लिया, खाऊंगा, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, तुम भी खा सकती हो, इसलिए वो यहाँ है मेरी आंखों के सामने, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। हमारे पास बहुत सारी बोतल है। ओह, मैं बता नहीं सकती इतनी टेस्टी कॉफी बनाई है, तुम बहुत अच्छी कॉफी बनाते हो। मेरी बीवी काम करके थक गई थी ना, तो इससे अब तुमको थोड़ी सी ताजगी मिलेगी। लगता बच्ची आ गई। लैला, सनम, मॉम, तुम बहुत थक गई होगी ना? मैं अकेली ही आ पाई मॉम। आ गई मेरी प्यारी। आ गई पापा, लेकिन सनम वही सेट पर ही है। लेकिन उस टेक्निकल मिस्टेक का उससे क्या लेना देना, जरा मुझे बताओ। नहीं पापा, लेकिन उसको वहाँ रुकना ही पड़ेगा, उसका काम है वहाँ पर, कल उसकी शूटिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, वहाँ पे उसका टेस्ट भी है।
अरे ये क्या, तुम दोनों तो एक ही जगह काम करती हो ना, तो फिर तुम यहाँ और वो वहाँ क्यों, बताओ मुझे। मैम वहाँ सिर्फ सनी नहीं, बहुत से लोग हैं जो रुकेंगे। और एक बात और, मैं उस डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, मैं फाइनेंस असिस्टेंट हूँ, मेरे वहाँ होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो वहाँ एज ए हेल्पर काम कर रही है मॉम, मैं क्या करूँ। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं सनम, बड़ा चढ़ा के बोल रही है, ये टेंस रात का वक्त। उसे कॉल करो, कैमरा ऑन रखना, मुझे उसे देखना है। तुम इतनी जल्दी मानने वाली नहीं हो ना। करो, मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। हाँ, कॉल करो उसे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही है। मॉम, सनम तुम फौरन घर आओ, इसी वक्त, जल्दी आओ। मॉम मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैं घर नहीं आ सकती। अरे अरे, तुम दोनों बहनें तो एक ही कंपनी में काम करती हो ना, वो घर आ गई तो तुम वहाँ क्या करती। मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, देखो देखो साथ में जे जे भी है। सनम ये तुम क्या कर रही हो। हेलो, अब ये कौन है, कितने अजीब से कपड़े पहन रखे हैं इसने। मेरे कपड़े में क्या है। मॉम लोग सुन रहे हैं, इसलिए जरा संभल कर बोलिए प्लीज। मेरे कॉस्ट्यूम में ऐसी क्या बात है, मैंने खुद बनाया है, बस यही कारण है, ऐसे है, मैंने इसी तरीके से बनाया है, ये मेरा स्टाइल है एक्चुअली। आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है बताइए ना। मेरे कपड़ों में क्या। और देखो यहाँ उस्मान भी है और रेहान भी है, सब लोग हाथ। मेरी सासू माँ, कैसी हैं आप? आप बेफिक्र रहिए, मैं सनम के साथ ही हूँ, हम दोनों मिलकर टेंट बना रहे हैं, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ सब वहाँ पर हो, फिर भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है, समझी। नो प्रॉब्लम मॉम, सब ठीक है, देखो सब अंडर कंट्रोल है। हेलो, कैसी हैं आप? मिस्टर जान, मैं अच्छी हूँ। माफ कीजिए, जब मैंने टेंट के बारे में सुना तो सोचा पता नहीं कौन सी जगह होगी, मुझे तो बस फिक्र हो रही थी। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें। अच्छा ठीक है मॉम, चलो अब मैं रखती हूँ। हाँ अच्छा सुनो, तुम गर्म कपड़े पहनना, ऐसे मत घूमना, ठीक है। अरे मिस्टर चांद कितने अच्छे इंसान है, मेरी दुआ है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहे। मॉम अभी भी कनेक्टेड है, रेड बटन दबाओ। ये क्या कर रही है, काश उन्होंने सुना ना हो ये। मैंने ऐसा क्या कह दिया उन्हें भाई, मैं तो उन्हें दुआएं दे रही थी, मैंने क्या गलत कहा, कुछ गलत कहा। अरे मेव की बहन, मेरी मॉम, उनके जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, वो कितनी स्वीट और अच्छी लेडी है। वो जैसा बोले तुम्हें करना चाहिए। मैं हमेशा वैसा ही करती हूँ। अब हम लोगों को टेंट्स को साफ सुथरा रखना है, ठीक है। मैंने इंस्ट्रक्शन मैनुअल सबको दे दिए हैं, उनको अच्छे से समझ लो, मुझे वो सारे वापस चाहिए जैसे मैंने आपको दिए थे, क्लीन और पैक्ड। मुझे लगता है सब कुछ समझ गए होंगे, है ना आप लोगों, जैसा मैंने समझाया। और आग के करीब कोई भी नहीं जाएगा वरना वो जल जाएगा। अच्छा जय जय, समझ रहे हो ना। हाँ मिस्टर जान, सनम कहाँ पर है? स्टैंड में। ऑलराइट थैंक यू। हाँ देखो गुड इवनिंग, ठीक से क्या बात है, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? हम एक दूसरे को पहले भी मिल चुके हैं ना? मुझे याद नहीं है, मैंने आपको पहली बार जब देखा था जब आप गीले होकर आए थे। गीले और सूखे में बहुत फर्क है, गीले इंसान की स्किन चमकती है जबकि सूखे इंसान की नहीं चमकती है। गीली स्किन ना बहुत सेक्सी लगती है जबकि ड्राई स्किन बहुत सादी लगती है, इसलिए मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पाया। मिस्टर जान, यही बात है, तुम तो छुपी रहो। रुकिए रुकिए, आप क्या कर रहे हैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप ऐसे नहीं घुस सकते कहीं पर भी। अगर आपको कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे बोलना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जबरदस्त, जाओ ना यहाँ से। हाँ ठीक है, मैं पीछे जाकर खड़ा हूँ, कुछ चाहिए तो बोलना। मिस्टर जान, ये भी तुम्हें चाहता है क्या? ये तो मेरे लिए बचपन से ही एक परेशानी है। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ चाहिए?
वाटर, पिलो, ब्लैंकेट और एनीथिंग यू नीड? नहीं थैंक्स। उधर देखा तुमने? मुझे लगता है कि हमें सब लोग देख रहे हैं, खासकर कि वो समंदर के किस्से के बाद। हाँ, एक्चुअली मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़ता है? नहीं नहीं। वॉक पे चले? हाँ चलते हैं। यहाँ कीड़े हैं, बचाओ, मुझे कीड़े काट रहे हैं, यहाँ बग्स हैं। क्यों चिल्ला रही हो? मिस्टर जॉन, क्या हुआ? मिस्टर जॉन, मुझे बचाइए, ये पता नहीं इसे क्या है ना। जाइए उसकी केयर कीजिए। गुड नाइट। वो कह रही है ठीक है जाओ, तुम सो जाओ, सकता है यहाँ पर चलता रहेगा। ओके क्या आराम से आए, दिखाओ मुझे तेरा ध्यान वहां पर है। ओके रिलैक्स, कहां पर? कैसे मैं नहीं रह सकती हूं, प्लीज देखिए ना। डरन यहां तो कुछ भी नहीं है। वो कीड़ा बहुत बड़ा था और खतरनाक भी दिखता था। वो श्योर नहीं है? मुझे बहुत डर लग रहा है मिस्टर जॉन, वो मुझे खा जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर वो होगा भी तो अब यहाँ से चला गया है। इट्स नॉट देयर। नहीं, वो कहीं भाग गया होगा या फिर अंदर ही कहीं छिप कर बैठा होगा। मुझे वहाँ नहीं रहना है प्लीज। तुम कुछ ज्यादा नहीं डरी? तुमने देखा ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कम ऑन रिलैक्स, चिल करो यार। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, इतनी खुजली क्यों हो रही है मुझे। अयहान, अब मैं खुद को रोक नहीं सकती, मेरे दिमाग में मिस्टर जान है। जानती हूँ सनम, तुम मिस्टर जान के प्यार में पागल हो गई हो। हाँ। हो सकता है तुम्हारी मॉम हमें वीडियो कॉल में सोते हुए देखना चाहती है, मुझे मत देना प्लीज। मिस्टर जान, मिस्टर जान का फोन है। हाँ? क्या है? कहाँ जा रही? क्या हुआ? क्या तुम्हें भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही क्या? मुझे भी नहीं आ रही। वो जरूरी नहीं है, मैं फोन पे बात कर रही हूँ, जाओ यहाँ से। देखो सारा दूर मत जाओ, उस कोने में जाके बात करो ना, जंगल के अंधेरे में खो जाओगी तुम, बहुत अंधेरा है, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? जबरदस्त, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है ठीक है, संभल कर रहना, जरा दूर मत जाना। जाओ। हाँ ठीक है, जा जा। सनम, मिस्टर जान, मैंने सोचा कि शायद तुम सो ना रही हो तो मैं डिस्टर्ब ना करूं। नहीं, नींद नहीं आ रही थी। मुझे भी। मैं यहाँ बाहर हूँ, आप कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे। जहाँ हमने स्विमिंग की थी उसी किनारे पर हूँ, मैं आज रात यहीं पर रुकूंगा, तो मुझे लगा कि इट्स बेटर कि मैं यहाँ किनारे पर अकेले में ही वक्त गुजारूं। हाँ सच है। हाँ। मैंने बस तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कॉल किया था। ये पहली बार है कि हम फोन पर इतनी रोमांटिक बातें कर रहे हैं और आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रही है, मतलब कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही है, कुछ अलग ही लग रही है। क्या तुम ये सच कह रही हो? बहुत अच्छी लग रही है, आपकी आवाज अच्छी है। अच्छा मैं रखती हूँ, नहीं तो बिल्कुल भरी बातें करना शुरू कर दूंगी। ऐसा लग रहा है कि अब रखती हूँ। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू। क्या कर रही थी? जबरदस्त। इस वक्त किससे बात कर रही थी? तुम सोते क्यों नहीं? तुम सोते क्यों नहीं? सो जाओ, जाके तुम भी सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। अयान, गुड नाइट। अयान उठो ना। क्या है यार, क्या है ये, अब क्या हुआ? मैं जा रही हूँ। क्या बोल रही हो? जान के पास। तुम कहाँ जा रही हो सनम, वो भी इतनी रात में? देखो मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगी, तुम जाकर जबरदस्त को संभालो। देखो सनम, तुम्हें जो सही लगे वो करो, ठीक है? लेकिन हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। तुम जाकर जबरदस्त से कहो कि तुम्हें टॉयलेट जाना है, वो जरूर तुम्हारे साथ आएगा और फिर मैं चुपके से चली जाऊँ। ठीक है, मैं जाती हूँ जबरदस्त के पास। मैं यहीं रुकी हूँ, तुम मुझे ऐसे इशारा करना। हाँ, मुझे मेरे सॉक्स तो लेने दो। मुँह
क्या बात है, सनम ठीक तो है ना? वो जंगल में गई थी, उसे कुछ हो तो नहीं गया? किसी ने किडनैप कर लिया, मुझे पता था ऐसे ही कुछ होने वाला है। मैंने कहा था उसे मत जाओ वहाँ पर। अब तुम क्या फालतू बकवास कर रहे हो मुझो? मुझे टॉयलेट जाना है मुझो। तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं अकेले नहीं जा सकती, प्लीज। मुझे डर लगता है रात में। इतनी रात को? देखो तुम बच्ची नहीं हो, तुम रोक सकती हो ना, रोक लो रात भर। और अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम अकेले जाओ। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत बहादुर लड़की हो, तुम कर सकती हो आयहान। अरे मैं कैसे रोक सकती हूँ मुझो, तुमको मेरे साथ चलना होगा। अब चलें? सनम को कुछ हो गया, तुमने मुझे डराया। चलो आ जाओ, जल्दी चलो यार। जल्दी करो, थोड़ा जल्दी चलो। ठीक है वेट, मैं ज्यादा फास्ट नहीं चल सकती। उफ आयहान, तुम और तुम्हारे नखरे। देखो वहाँ पर लड़कियाँ टेंट में अकेले सो रही है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? देखो तुम्हें जो भी करना है तुम जल्दी जल्दी करो, मैं सिर्फ 5 मिनट यहाँ पर रुकूंगा फिर वापस लौट जाऊंगा। तुम प्लीज बात को समझो यार, सनम वहाँ पर अकेले सो रही है, उसे कुछ हो गया तो? मुझो यार, उफ, सनम सो गई है इसलिए तुम्हें आना पड़ा। सनम सो गई है तो तुम्हें भी अच्छे से सो जाना चाहिए था ना, है बच्चों की तरह रात में टॉयलेट जाना तुम। वैसे तो आयहान तुम मेरी लाइफ कोच बने फिरती हो, लेकिन अंदर से तुम खुद एक पक्षी। लेकिन इन सब का मेरे लाइफ कोच होने से क्या लेना देना है मुझो? क्या कह रहे हो तुम? जाओ 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 जल्दी आओ। मुझे रात भर सनम का गार्ड बनकर बैठना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ यहाँ पर आना मंजूर नहीं है मुझे। सनम मेरी बात को समझती नहीं, मैं उसका इतना ध्यान रखता हूँ, उसके लिए इतना कुछ करता हूँ, लेकिन उसका दिमाग चेंज ही नहीं होता, वो कुछ भी हरकतें करने लगती है, वो मेरी बात को अहमियत ही नहीं देती। देखो बहुत हुआ तुम्हारा, मुझे बस पी करने जाना था, और मैं एक परफेक्ट लाइफ कोच हूँ, तुम्हें बदलने की जरूरत है, सनम को नहीं। तुम ये कभी रियलाइज नहीं करते। जब देखो बातें करती रहती हो, मेरी प्रॉब्लम कोई नहीं समझ सकता। आ रही हूँ। सनम? मिस्टर जान, मैं यहाँ सिर्फ 5 मिनट आपसे मिलने आई। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं आई, मैंने देखा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज यहाँ से मत जाओ, प्लीज रुको ना, यहीं पर रुककर थोड़ी बातें करते हैं। कम ऑन लेट्स टॉक। पर तुम्हारा मन भी होना चाहिए, तो चलो लेट्स सिट, और बैठते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये पलट सकता है, हमें एक साथ बैठना होगा। ओके बैठो। प्लीज डिस्टर्ब मत होना। जानती हो मैं सिर्फ तुमसे डरता हूँ, आई मीन जिंदगी में सिर्फ तुमसे डरता हूँ और किसी से भी नहीं। आप मुझसे डरते हैं लेकिन क्यों? मुझे नहीं पता, तुम हवा की तरह हो, मैं तुम्हें पता है मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता, तुम हमेशा बहती रहती हो, और जो कहना चाहता हूँ वो भी मैं तुमसे नहीं कह सकता क्योंकि डर लगता है तुम गलत ना समझ लो। मुझे ये डर लगता है कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास से चली जाओगी और कभी नहीं आओगी। मिस्टर जान उस दिन के लिए मैं माफी चाहती हूँ। छोड़ो ना, हमारी क्या बात हुई थी, हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, जाने देंगे, बहते जाएंगे हवा की तरह। ठीक है। कंफर्टेबल हो ना? अगर तुम लेटना चाहती हो तो लेट सकती हो, आ जाओ थोड़ी देर लेटते हैं। ठीक है, ट्राई करती हूँ। ट्राई करो, बस जंप करो, जंप। मैंने जंप मार ली। हाँ। देखा इस हैमक पे कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, और कितना कंफर्टेबल भी है। हाँ। और इसे मैं अपने पैरों से झुला रहा हूँ। कितने सारे तारे हैं आसमान में, अगर हर रात ऐसे ही आपके साथ तारे। प्लीज रुको मत, बोलो क्या बोल रही थी तुम? क्या आपने कभी इन स्टार्स में से कोई स्टार अपने लिए चुना है? नहीं, मेरा तो कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ मैं समझ गया कि तुम्हारा कोई होगा जरूर। क्यों, एकदम सही गेस किया ना मैंने? हाँ, ओरियन। ओरियन, ये तो स्टार्स का कोई चमकता हुआ कॉन्स्टेलेशन। हाँ ये तुम्हें सूट करता है। आपको कहानी पता है उसकी? नहीं, तुम सुनाओ ना। हाँ मैं बताती हूँ। एक खूबसूरत आर्टेमिस बहुत ही फेमस थी उसके आर्चरी टैलेंट के लिए। वाओ, एक वुमन आर्चर, आई लव इट। आर्टेमिस, वो ओरियन जैसे एक बहादुर हंटर और स्विमर से प्यार कर बैठती है, लेकिन ओरियन के भाई को उनकी
करीबी पसंद नहीं आती, उससे ओरियन से जलन होने लगती है। उसने ओरियन के लिए अपने मन में नफरत पाली है, इसीलिए वो आर्टेमिस को फंसाने के लिए एक ट्रैप बनाता है। अच्छा सच में? आगे? हाँ चलो सुनाओ, कंटिन्यू। और उसके बाद वो आर्टेमिस को एक कंपटीशन के लिए फोर्स करता है। उसमें उसे समंदर के बीचों बीच एक पॉइंट दिया जाता है, जो कि बताया जाता है कि एक रॉक है, बल्कि वो रॉक नहीं होता, वो खुद ओरियन होता है। उसे आसमान की तरफ देखकर शूट करने को कहा जाता है और आर्टेमिस अनजाने में ओरियन के दिल पर शूट कर देती है। ओरियन जख्मी होकर गिर जाता है, वो आर्टेमिस और अपने भाई को छोड़ देता है। एक और सैड लव स्टोरी सुनाई है तुमने मुझे। खैर ओरियन कहाँ पे? क्या हम देख सकते हैं? इस वक्त मुझे देखेगा? मिस्टर जान आपको पता है वो सबसे ब्राइटेस्ट है आसमान में। अच्छा? और वो किसी भी जगह से दिखता है। मैं चलती हूँ। बस 5 मिनट और, सिर्फ 5 मिनट। That's it. Please, 5 मिनट. Okay. 5 मिनट. Please.